दोस्तों मेरे हाथ में आप इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स देख सकते हो, लेकिन भाई साहब सच बताऊं तो इनमें से काम का क्रेडिट कार्ड मेरे लिए सिर्फ एक ही है, एंड वो है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। भाई साहब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स देता है, एंड साथ में ये वाला ऐसा क्रेडिट कार्ड है ना जो कि आपको आसानी से अप्रूव हो जाता है। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप कैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड साथ में इस कार्ड को अप्रूव करवाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे ना जिसे आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये कार्ड अप्रूव होगा। अभी अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बात करें भाई साहब, तो सबसे पहले इस कार्ड से आप फ्लिपकार्ट पे चाहे 10 लाख का शॉपिंग करो या फिर 5000 का शॉपिंग करो, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलेगा बिना किसी लिमिट के। एंड इसके अलावा इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं जैसे कि स्विगी, क्योर फिट, पीबीआर, उबर एंड क्लियर ट्रिप, यहाँ पर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे इस क्रेडिट कार्ड पे तो आपको अनलिमिटेड 4% का फ्लैट कैशबैक मिलेगा। अब इन सभी ब्रांड्स को छोड़ के चाहे आप कहीं पे भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे इस क्रेडिट कार्ड से, फिर भी आपको 1% का यहाँ पर कैशबैक अनलिमिटेड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप इस कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको डाइनिंग डिलाइट्स का 15% फ्लैट ऑफ देखने को मिल जाएगा। अभी इस कार्ड की सबसे अच्छी बात जो मुझे देखने को मिली, जब इस कार्ड को आप एक्टिवेट कर लोगे तो आपको यहाँ पर वेलकम बेनिफिट 600 रुपए तक का देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है एंड 100 रुपए का स्विगी पे डिस्काउंट मिल जाता है। साथ में इस कार्ड से अगर आप 3 महीनों में 50,000 रुपए का खर्च कर लेते हो तो आपको 1 साल के अंदर 4 एयरपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं, एंड इस कार्ड के अंदर भाई साहब आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वैभव भी हो जाता है। एंड दोस्तों एक बात बताऊं कि अभी के टाइम पे इस कार्ड के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको 600 रुपए की जगह पे 1100 रुपए तक का यहाँ पर वेलकम बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अभी अगर हम इस कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस कार्ड को लेने के लिए आपको ज्वाइनिंग और एनुअल फीस 500 रुपए प्लस GST पे करना होता है। एंड भाई साहब अगर आप चाहते हो कि आपका एनुअल फीस वेव अप हो जाए तो 1 साल के अंदर इस कार्ड से आपको 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करना होगा तो आपको 500 रुपए का एनुअल फीस वेव अप हो जाता है। बाकी इस कार्ड के अंदर कुछ खास चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। अभी अगर आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो कार्ड अप्लाई करने के कुल 2 तरीके हैं। पहला, आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे जाके फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पर मेरे को एक कमी देखने को मिली कि वहां पर आपका कार्ड तो इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है लेकिन आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। वहीं दूसरा, आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके वहां से कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड वहां पर भी आपका कार्ड आसानी से अप्रूव हो जाता है लेकिन वहां पर आपका क्रेडिट लिमिट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम डायरेक्टली एक्सिस बैंक की वेबसाइट से ही आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके एंड अप्रूव करवा के दिखाएंगे। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली कार्ड अप्लाई के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका एक्सिस बैंक में खाता है तो आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, वरना नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, अपना पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। देन नीचे आपको नेट एनुअल इनकम बताना है, आप साल में कितने पैसे कमा लेते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक टिप्स देना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव करवाने के लिए क्राइटेरिया है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका मंथली इनकम 15,000 से ऊपर होना चाहिए, एंड भाई साहब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका मंथली इनकम 30,000 से ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर मंथली इनकम को एक बार कैलकुलेट कर लेंगे एंड इससे ज्यादा का अमाउंट ही आप यहाँ पर फिल करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ कैप्चा कोड्स दिख रहे होंगे, इस कोड्स को आपको इनबॉक्स में एंटर करना है एंड नीचे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्ड को आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है एंड नीचे आपको नेक्स्ट बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे, इस टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स पे टिक करेंगे एंड नीचे सबमिट कर देंगे। अभी नेक्स्ट आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपके पैन कार्ड के हिसाब से आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर टाइटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने नाम के आगे जो भी टाइटल लगाते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कार्ड के ऊपर यानी आपका जो कार्ड आएगा उस पर आप कौन सा नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप अपने मदर का नाम यहाँ पर फिल करेंगे एंड यहाँ पर आपको फादर या फिर स्पाउस नेम यानी आप अपने पिता या फिर पति पत्नी का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, वरना आप सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस डिटेल्स पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंटर करना होगा। रेसिडेंस एड्रेस मीन आपका जो परमानेंट एड्रेस है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 में कंप्लीट आधार कार्ड वाला एड्रेस फिल कर लेंगे एंड यहाँ पर लैंडमार्क फिल करेंगे। एंड उसके बाद आपका पिन कोड, आपका स्टेट एंड आपका सिटी ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा एंड नीचे आप अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। अभी आपने जो रेसिडेंस एड्रेस एंटर किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर एंटर ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर अब आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप जहाँ पे काम करते हैं या फिर बिजनेस का एड्रेस आपको एंटर करना होगा या फिर आप अपना करंट एड्रेस जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने रेसिडेंस एड्रेस एंटर किया था सेम वैसे ही एड्रेस लाइन 1, 2, 3 में अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे, लैंडमार्क एंटर करेंगे, यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, फिर स्टेट और सिटी सेलेक्ट करके आप अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने कार्ड को कौन से एड्रेस पर रिसीव
करना चाहते हैं तो अगर आप रेसिडेंस एड्रेस पर रिसीव करना चाहते हैं तो रेसिडेंस को सेलेक्ट करेंगे, वरना आप ऑफिस को सेलेक्ट कर लेंगे। देन नीचे यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कोई खुद का काम या फिर बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपने सैलरी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर नीचे कंप्लीट आपको अपने कंपनी या फिर जॉब का डिटेल एंटर करना होगा। एंड उस केस में अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे आपको सोर्स ऑफ फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप पैसे कहाँ से कमाते हैं, बिजनेस से, एग्रीकल्चर से या फिर इन्वेस्टमेंट से, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एंड आपके बिजनेस का क्या नेचर है, अपने बिजनेस का बेसिकली टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर आप अपने कंपनी का या फिर बिजनेस का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ऑनरशिप टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड आपका जो बिजनेस है वो अगर आपका खुद का है तो आप सोल प्रोप्रेटरशिप को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पार्टनरशिप में है या फिर प्राइवेट है अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन लास्ट आपको नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस बताना है, आप ये बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड नीचे सबमिट कर देंगे। अभी फाइनली आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट पेज में आपका कार्ड के लिए सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट होकर आ चुका है जहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। इस वाले रेफरेंस नंबर को अभी आपको नोट करके रख लेना है एंड अभी आपका कार्ड का अप्लाई का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, 2 घंटों से लेकर 24 घंटों के बीच में अगर आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो कार्ड अप्रूवल का एक मैसेज आपके ईमेल पे एंड आपके फोन पे सेंड कर दिया जाता है जिसके अंदर आपके कार्ड की लिमिट वगैरह की डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड का केवाईसी कंप्लीट करना होता है। बेसिकली आपके ईमेल पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का फुल केवाईसी करने के लिए वीडी केवाईसी का एक लिंक आ जाता है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना भाई साहब तो उसके बाद एक्सिस बैंक के एक एजेंट के साथ आपका एक वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाता है। वीडियो कॉल पे लाइव आपका एक सेल्फी क्लिक किया जाता है, आपको पैन कार्ड दिखाना होता है एंड एक पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाना होता है, डेट सेट आपके क्रेडिट कार्ड का केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। अभी एक बार जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड का केवाईसी कंप्लीट हो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड 100% एक्टिवेट हो जाता है एंड अब आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। अभी आपका जो कार्ड का नंबर वगैरह है वो इंस्टेंट जनरेट हो चुका है एंड अभी आपको कार्ड को फुली कंट्रोल करने के लिए या फिर कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए कार्ड का पिन वगैरह सेट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे एंड यहाँ से आप अपने कार्ड का पिन वगैरह सेट कर पाएंगे एंड कार्ड को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने अभी तक आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से लेकर अप्रूवल तक का सारा प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।